इतने थप्पड़ मारो ना बेटा, मोर बन के जाएगा घर पे, पता तो नहीं चल गया इनको। सीन देख सकते हो गाइज आप, क्या सीन हो गया है क्या नहीं। ये रहा डगन बोस के साथ उसका छोटा भाई थ्रोनटन। डगन अंदर पक्का होस्टेज बना रखे हैं। तेरी सासू की जय हो, चल तेरी सहरी भैंस की आप। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो हमारे साथ हमारे माइकल दादा आ चुके हैं आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। जैसे कि गाइस अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या सीन हुआ था। लेस्टर ने एक जगह हमें बताई थी कि वो वाली जगह में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। हम उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर एकदम से डेविन वेस्टर्न दोबारा से अटैक करवा देता है। तो हम समझ तो जाते हैं कि हाँ ये सब कुछ डेविन वेस्टर्न ने ही करा है। फिर हमने सोचा कि प्लान के हिसाब से ही चलते हैं, जो हमने प्लान बनाया है कि सारे एक साथ जाएंगे डेविन पे अटैक करेंगे। पर जो ट्रेवर को खुंदक चढ़ी तो ट्रेवर अकेला जाके ही डेविन को किडनैप करके लेके आ गया और बाद में उसे पानी में फेंक दिया। गाइस अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो गाइस। और जो जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अभी तो यार मैं बस वैसे ही घर पे चिल वगैरह कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने पुराने वाले घर की तरफ भी एक बार गेड़ी गुड़ी मार ली जाए। क्योंकि गाइस सीन ऐसा ही है, आपको पता है जब डेविन ने हमारे घर पे भी अटैक करवाया था तो क्या ही सीन हो गया था, पूरे घर की ऐसी तैसी हो गई थी। तो अभी जो पूरी फैमिली आपको पता है मार्टिन के घर पे रह रही है, तो वहां पे भी देखना पड़ेगा ना कि कैसे क्या क्या सीन है। जिमी अभी योगा कर रहा है, जिमी कितनी देर और योग करेगा, योगा ये तो बताओ। बस पिताजी 3-4 मिनट और कर लूं, उसके बाद तो फुस ही हो जाऊंगा हम अपने यहाँ पे, ठीक है। कर ले 3-4 मिनट और फुस कर ले फिर अपनी। तो देख ही सकते हो कि जिमी भी योगा वगैरह कर रहा है, बाकी की फैमिली वेस्ट है वो मार्टिन के घर पे ही है। तो मार्टिन के घर पे अभी रह रही है, तो यार उनको कब तक मैं मार्टिन के घर पे रखूंगा। फिलहाल घर लेने के बारे में मैंने सोचा तो है, पर लेंगे पहले इस वाले को रिपेयर करवाएंगे। तो पूरे घर की ऐसी तैसी हो रखी है गाइस, अभी आपको दिखाऊंगा। और ये वाली गाड़ी में हम जाने वाले हैं, तो एक नंबर कैड़ा सीन होने वाला है। तो देखते हैं जिमी कब तक आएगा, फिर चलते हैं उस अपने पुराने वाले घर पे, वहाँ के हाल दिखाता हूँ कि क्या क्या सीन हो रखा है, क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी सीन तो काफ़ी गंदा, इतना तो मुझे भी पता है, क्योंकि यार सोफे तक में गोलियाँ चली थी, बहुत गंदी गोलियाँ चलाई थी उन्होंने। पर लेट्स सी अब क्या होगा क्या नहीं। तो गाइस जिमी भी आ ही चुका, आप देख ही सकते हो। तो बैठ जिमी, जल्दी जल्दी बैठ, चलते हैं दोनों बाप बेटा गाड़ी में। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, 2 सीटर गाड़ी है तो। पर छोड़ो कोई नहीं, अपना काम तो हो जाएगा ना। अभी मौसम बड़ा सुहाना है, तो गाइस खोल देते हैं अपनी रूफ भी, तो हाँ अब आएगा ना असली मजा। ये हो गया और ये, चलो लेट्स गो, अब आएगा मस्त जाने वाला उत्तरी भूतनी के। ये तो रूफ देखने के चक्कर में ऐसी ऐसी हो जाती है गाइस अभी तो। पर चलो कोई नहीं, हम निकल तो चुके गाइस, आप देख ही सकते हो अपने घर के लिए। और एक सेकेंड मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि गाइस आपको पता ही है हमने कल किसके घर पर अटैक, वो हमने तो नहीं, मतलब ड्राइवर ने डेविन के घर पर अटैक कर ही दिया था। तो एक बार उसके घर के बाहर के नज़ारे देखे, बाहर से कुछ दिखेगा क्या सीन चल रहा है क्या नहीं, कुछ देखना तो बनता ही है ना। एक बार देख लेते हैं, बस बार बार से देख के निकल लेंगे हम, फिर अपना मस्त अपने पुराने वाले घर में जाने वाले हैं। एक नंबर का सीन होने वाला है वैसे तो गाइस। एक सेकेंड, ये खाली पड़ा है भाई, कुछ दिख तो नहीं रहा वैसे, देख सकते हो गाइस बिल्कुल खाली ही पड़ा है, कुछ नहीं दिख रहा। चलो यहीं से कट ले लेते हैं, आगे से क्या ही जाना है ना। तो देख लो एक बार दोबारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लेना बिल्कुल खाली पड़ा, बिल्कुल खाली पड़ा, कोई भी नहीं दिख रहा। जितनी सिक्योरिटी हुआ करती थी वो तक नहीं है। तो इससे आप समझ ही जाओ गेम दी एंड है। कल की वीडियो में ही आपको मैंने दिखा दिया था, मतलब ड्राइवर इतना अजीब बंदा ना, जब उसे गुस्सा आता है वो किसी को नहीं सुनता गाइस, आपने भी देख लिया। कल तो इतने खुंदक में हो गया, लेस्टर तक पे उसने चिल्ला दिया। अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता ही होगा, हमने लेस्टर को फ़ोन करा था कि लेस्टर भाई अब क्या करना है, कैसे क्या क्या सीन है। पर ट्रैवर ने कह दिया तुम अपने उसी में ही रहोगे कि प्लान के हिसाब से, प्लान के हिसाब से। फिर ट्रैवर अकेला भाग गया। तो ऐसा ऐसा सीन हुआ था, बिल्कुल कैड़ा सीन था, बाकी तो यार सीन एक नंबर का था। फिर ट्रैवर ने हमें फ़ोन कर दिया कि भाई देखो ऐसा सीन है, मैंने पकड़ के लेके आ चुका, तुम्हें आना है तो आ जाओ। फिर हम गए, फिर हमें तो लगा बीच में मजाक कर रहा होगा, फिर हमें पता चला कि हाँ भाई ये तो सही में पकड़ के लेके आ गया उसे। फिर जब देखा उसके मुंह में खून निकल रहा है डेविन वेस्टर्न के, पूरा गंदा सीन हो रखा था। अरे रे रे भाई भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा तगाजा कर लो। तो अभी हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर पे जा रहे, तो फटाफट चलते हैं गाइस घर पे और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस घर के आगे हम पहुंच चुके हैं और आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा जाम लगा पड़ा। और ये जाम लगा क्यों है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। फायर ब्रिगेड वगैरह भी यहाँ पे खट, ओ भाई मेरे घर से अभी भी धुआं आ रहा है भाई, आप देख सकते हो। अब तो निकालनी पड़ेगी आगे, ये तो मैंने अभी ध्यान दिया। अरे भाई भाई भाई, यहाँ तो रस्ते पूरे बंद कर रखे, क्या कर रखा इन्होंने। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रखी भाई साहब, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है गाइस यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या सीन चल रहा है यार। अरे हटा ले भाई गाड़ी साइड में हटा ले, मेरे को भी जाना है घर मेरा, मैं नहीं जा पा रहा इधर यार। तो ये देख सकते हो, ओ भाई कैमरे भी लगे, ओ भाई यहाँ पता तो नहीं चल गया इनको। ओ भाई तो देख सकते हो, ओ भाई रे सिक्योरिटी वाले भी यहाँ पड़े हुए हैं गाइस, देख सकते हो आप।
यहाँ तो अलग ही सीन हो रखा है। ओ माय गॉड, सीन देख सकते हो गाइस आप, क्या सीन हो गया है क्या नहीं। जिमी आराम से आइयो, हेलीकॉप्टर मतलब बाद में एम्बुलेंस वगैरह भी आई होगी तो उनके भी कह के ले ली गई है, आप देख सकते हो गाइस। ओ भाई 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 भाई, अभी तक घर की आग नहीं बुझी है। जिम्मी बाहर ही रही हो, मैं एक बार अंदर जाकर देखता हूँ गाइस क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। ओ भाई सोफे में भी आग लग रखी है। अरे भाई भाई भाई, बस बस बस, सिक्योरिटी के लिए बोला था ठीक है, अब निकल लो यहाँ से, आग लगी पड़ी है, खुद की टूई मत जलवा लेना यहाँ साथ में। पता नहीं गाइस क्या सीन होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आग लगी ही पड़ी है, पूरी एक्सेसिव रखी है आप देख सकते हो। वाह अरे वाह, टीवी चल रहा अभी तक यार, ये क्या सीन है। छोड़ो भाई टीवी टूवी देखने का, यहाँ पे कुछ क्या पटाखा सा हो जाए ना गाइस, कुछ नहीं पता। वो भाई नीचे भी पूरी तरह आग लगी हुई, आप देख ही सकते हो गाइस कितना गंदा सीन हो रखा है। अरे मेरी बात सुन, निकल ले अभी यहाँ से, पूरी गंदी ऐसी तैसी हो रखी है गाइस आप देख लो। ओके यहाँ पे तो सब ठीक है, ऊपर वाले कमरे में तो, जिमी वाले कमरे में तो हम आए नहीं थे, नीचे ही हुआ था जो हुआ था गाइस। वैसे तो हटरेसी का रूम भी ठीक है, पर जो नीचे से ऐसी तैसी हो रखी है घर की, वो तो कुछ ज्यादा ही अलग हो गई है गाइस आप देख सकते। ओ भाई रे, ये देखो कुर्सियां भी, देखो यहाँ कुर्सियां भी पड़ी हुई है। ओ भाई जिमी 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 जिमी, इस पैसे को कुछ करवाना पड़ेगा, पैसे उठवा के ले। ओ भाई नहीं, यहाँ पे भी आग सी लगी पड़ी है यार, कोई नहीं इसका भी करवाना पड़ेगा गाइस। ऐसे मैं खुद तो कर नहीं सकता, बाहर बंदे वगैरह खड़े हैं, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा गाइस। घपला घुपला वाला सीन तो करना ही पड़ेगा। अब देखो तो पूरे घर में आग सी लगी पड़ी है यार, ये तो अलग ही सीन हो रखा है। ये देखो यहाँ पे भी आग सी लगी पड़ी है, देख लो वो, देखो वहाँ पे भी आग लग गई है भाई भाई। रे रे रे, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कैडी लग गई है यार, यहाँ से सिलेंडर भी कभी भी फट सकता भाई। निकल ले जिमी, निकल ले निकल ले निकल ले, घर घूर इसको करवाएंगे गाइस, इसको ठीक करवाना है। अभी फायर ब्रिगेड वाले आ रखे, वो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देंगे। पहले देख लो घर के आगे का, ये देख लो ये कैसा इलाका हो गया है। ओ भाई ऊपर तो देख लो कितनी तगड़ी आग लगी पड़ी है। रे बाबा, ये देखो हेलीकॉप्टर फूटा पड़ा भाई साहब, ये देख रहे हो गाइस यहाँ पे कार तक जली पड़ी है। ये बाइकें बच गई क्या, बाइकें बच गई, बाइकें बच गई जिमी, बाइकें बच रखी है। वो भाई बाइकें तो बच गई है गाइस, पर सीन देख ही देखते हो काफ़ी तगड़ा हो रखा है यहाँ पे तो। ये देख सकते हो ये गाड़ी भी उल्टी पड़ी हुई है, ये गाड़ी चलने लायक है क्या, नहीं ख़त्म है गाड़ी, बिल्कुल ख़त्म ही है गाइस ये वाली भी। ये देख सकते हो बिल्कुल गलत सीन हो गया, पीछे भी आग लगी पड़ी है वो। तो गाइस वहां से हम निकल चुके हैं, अब आपने घर का सीन देख ही लिया कि कैसे क्या क्या सीन हो रखा है। वहां पुलिस की टीम भी आ ही चुकी है, जैसे कि आपने देखा गाड़ी वगैरह खड़ी थी, और आग बुझाने के लिए भी फायर ब्रिगेड वगैरह वाले आ चुके हैं, फायर ट्रक्स वगैरह सब पहुंच चुके हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए यार, इतना सीन यार अभी तक आग होनी तो नहीं चाहिए थी, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं इसलिए फटाफट निकल के आ गया क्योंकि आपने देखा किचन तक आग पहुंच गई थी, किचन में सिलेंडर फूट जाता ना बेटा, मोर जाता है सबका, तो इसलिए गाइस मेरा निकलना तो सही था। बाकी टीम पहुंच चुकी है तो वो सब कुछ संभाल लेंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली होना नहीं है उसका कोई दिक्कत। और अभी मैं जा रहा हूँ गाइस जिमी को छोड़ने के लिए मार्टिन के घर पे, क्योंकि खतरा अभी भी है मेरे लिए, अब ये घर वाला ही खतरा हो बेशक भाई, गलती से जिमी वहाँ चले गया, इसीलिए गाइस जिमी को छोड़ दूंगा मैं मार्टिन पे, वही सही रहेगा यार, क्योंकि सारे वहीं पे है ना, फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। और साथ ही साथ उसके बाद फिर मेरे को जाना है, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ जाना है, और काफ़ी सही जगह जाना है वैसे तो। पर चलो पहले चलते हैं मार्टिन के घर पे, अब सामने ही मार्टिन का घर पड़ता है गाइस। अब मार्टिन भाई ने बिल्कुल सिक्योरिटी करवा रखी है, मैंने वहाँ पे आपको उस दिन भी दिखाई थी कि कितनी टाइट सिक्योरिटी मैंने मार्टिन के घर के उधर करवा रखी है, एक नंबर का कैड़ा सीन है गाइस। और ये गाड़ी भी एक नंबर से कैड़ी है। जिमी देख मैं यहीं पर छोड़ दूँ तुझे, तू यहीं से ही चले जाइयो ठीक है, क्योंकि अभी देख मार्टिन भी घर पर ही नहीं होगा, तो उसके पास फिर यहाँ रुकने का मुझे भी फायदा नहीं है, नहीं तो तेरी माता जी पूछने लग जाएगी हम घर कब जाएंगे घर कब जाएंगे। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे अभी कितनी पुलिस वाली, यहाँ देखो गाड़ियाँ खड़ी हुई है। चल जिमी तो निकल ठीक है, आराम से जाइयो और मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। बाकी घर की हालात तो तुमने देख लिए, बता दियो माता जी को अभी नहीं जा सकते हम घर पे, और अभी रुक जाओ यार मैं आज ही बंदों को बोल देता हूँ पूरे घर की रिपेयर के लिए, बातचीत वगैरह कर लेता हूँ ठीक है, जा तू मौज कर। अरे पिताजी मैं बोर हो जाऊंगा, ले चलो ना। अरे थोड़े दिन बोर हो जाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा ठीक है, यहाँ रुक जा बस ठीक है, चल जा। चलो भाई जिमी को भी भेज दिया, एक बला तो कटी भैया, ये मानता नहीं है ना, कभी कभी इधर चले जाता है कभी उधर चले जाता है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड को भी बोल देता हूँ कि इसको जाने मत देना, क्योंकि यार आपको भी पता ना क्या क्या सीन हो सकता है। फिलहाल तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही मुझे, पर फिर भी यार ठीक है। वो पुलिस वाले भाई जिम्मी को जाने मत दिए या ताऊ बन रहा, तो ठीक है गाइस ये सीन भी हो गया, इसे भी हमने बोल दिया, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं ड्राइवर से मिलने के लिए गाइस पुलिस स्टेशन पे, अब वहाँ देखते हैं उससे भी वार्तालाप करते हैं, क्योंकि ड्राइवर भाई से भी मिलना थोड़ा सही है ना, अब थोड़ा अब तो नहीं है ना उसे गुस्से, एक बार ये बात करके आते हैं गाइस, अब तो सब ओके है ना, क्योंकि ड्राइवर भैया आपको पता बड़ा खुंदस वाला आदमी है, आपने देख लिया कल उसका जलवा, और साथ ही अरे तेरी भूतनी के अलग ही कैडा सीन हो जाता है गाइस। और साथ ही साथ
अब जो लेस्टर से भी मेरे को बात करनी है कि भाई उस जगह का क्या करना है। उस जगह पे अब हम सोच तो नहीं रहे कि भाई देखो हम पे उस जगह पे अटैक हुआ है, तो वो जगह अब हम नहीं सोच रहे कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। बाकी अगर लेस्टर का मन होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर लेस्टर ने वहाँ कह दिया कि भाई करना है तो कर लेंगे गाइस। बाकी आपको कैसी लगी थी वाली जगह जहाँ पे कल हम पे अटैक हुआ, तो लेस्टर उसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने की कह रहा था। अब पता नहीं क्या खोलना चाहता है वो वहाँ पे क्या नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट चलते हैं पहले पुलिस स्टेशन। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम। अरे हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा। तो ये रहा पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे मिलता हमारे ड्राइवर भाई से, करते हैं उसे वार्तालाप। और जो लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री ना, वो यहीं से भी दिख जाती है, सामने आपको दिख रही होगी। हाँ वो बात है, ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है गाइस उसके लिए हमें। चल भाई चल चल चल, जल्दी चल। अरे हट जाओ यार, यहाँ पे जो देख रहा हो कितनी पुलिस की टीम खड़ी है। क्या बात है क्या बात है, इसने थोड़ा सा काम करवाया था, वो हटवा दिया गाइस, इसने मेरे ख्याल से हटवा दिया होगा गाइस। अरे ये तो यहीं खड़ा है भाई, ड्राइवर वहीं खड़ा है गाइस, आपको दिखा दूँ तो मैं। ये देखो ये रहा हमारा ड्राइवर भाई, करते ड्राइवर भाई से भी वार्तालाप कि क्या सीन है भैया, यहाँ कैसे खड़ा है, ये तो कभी शांति से बैठता ही नहीं। क्या सीन है ड्राइवर, क्या हो गया भाई साहब? अरे कुछ नहीं यार माइकल, बस यार ये थोड़ी सी चिल कर रहा था, मजे ले रहा था बाहर खड़े होकर, और कुछ नहीं कर रहा यार मैं तो, क्या करूँ क्या मैं। मजे ले रहा है रे तू, बाहर तो खड़ा है, क्या मजे ले रहा है बाहर खड़े खड़े होके? मेरे को ये बता दे तू, कैसे मजे होते हैं बाहर भाई? अबे वो छोड़, मैं तो मस्त ऐसे ही आ गया था यार, अंदर बैठे बैठे ऐसी ऐसी हो रही थी, मैं सोचा एक बार बाहर खड़े होके भी देख लेते हैं। बीड़ी पिएगा बीड़ी? ऑन ड्यूटी हूँ भाई, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है समझा? अरे मजाक कर रहे हो, तेरे को दे कौन रहा है बेटे? अच्छा फिर सब कुछ अब ओके है ना? अरे तेरे को वो बात पता है कि, अरे माइकल क्या हुआ, क्या डेविन वेस्टन की फ्यूनरल ब्रो, काफी लोग होके आ चुके हैं वहां पे, फूल फूल चढ़ा के आ चुके, तेरे को नहीं पता क्या? ढक्कन ही है बेटे, तू लोगों को मिल भी गया वो, उसको दफनाने भी चले गए? वाह रे वाह बेटे, इतनी जल्दी? आ जा यार हम भी चलते हैं, देख के आते हैं वहां पे क्या क्या सीन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे जाके वहां? अरे देख के तो आ ही सकते हैं ना, क्या सीन है क्या नहीं, चला। हाँ बात तो तेरी है, देख के तो आ ही सकते हैं कि क्या सीन है। तो चलो यार गाइस ये सही है, डेविन वेस्टन की फ्यूनरल पे चलते हैं। आ जा तू भी चल, अरे मेरे कपड़े, मैं तो पुलिस की ड्रेस में हूँ। कपड़े रास्ते में चेंज कर लेंगे ना, मैं भी करूंगा ना, इसी कपड़े में थोड़ी जाऊंगा मैं भी। हाँ ये भी ठीक है, यही ठीक है, चल। तो चलो गाइस अभी हम जाने वाले डेविन वेस्टर के फ्यूनरल में, और देखते हैं वहां पे क्या क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। रास्ते में ही हम कपड़े चेंज कर लेंगे। आ जाओ ड्राइवर जल्दी जल्दी आ जाओ, तो ड्राइवर भी आ ही रहा है गाइस। मस्त जाएंगे दोनों भाई मस्त होके इसी गाड़ी में, तो फिर सही है ना यार, यही काफी सही रहेगा। बैठ 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 बैठ। तो मेरे को भी यार कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, कर लेंगे यार रास्ते में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सेकंड रोक ले भाई, एक सेकंड रोक ले, हमें भी जाने दे। ओके तो गाइस टेविन वेस्टन को जिसको कल ट्रेवर ने मारा है उसकी फ्यूनरल, क्या बात है क्या बात है, उसी को मारा उसकी फ्यूनरल में भी हम जाने वाले। देख लो कितना अच्छा आदमी है, अब आप देख ही सकते हो। हाँ भैया मर गया है तो अच्छी तसल्ली से उसको टाटा बाय भी तो करके आते हैं ना गाइज। ये हम करने जा रहे हैं, और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन चलने वाला है क्या नहीं। पहले हमें जाना है कपड़े की दुकान में, कपड़े की दुकान में कपड़े चेंज करने हैं, फिर कपड़े चेंज करने के बाद लेट्स सी वहाँ पे क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। बाकी लेट तो हम हो चुके हैं ना, ड्राइवर कह रहा था लेट हो गया गाइज हम, कोई नहीं चल लेट ही चल जाए, बंद कोई तो कोई दिखेगा ही वहाँ, वहाँ जाके देखते कि क्या सीन है क्या नहीं। जब भी उसका पूरा घर ऐसा हो रहा था सुनसान सा, अब आप सब में से काफ़ी लोग कहते हैं उसका घर ले लो, घर ले लो बेटा, उससे साइड बढ़िया घर है गाइस हमारे पास, आपको मैं बता दूँ तो, जो हमारे वाला घर है ना उससे बढ़िया घर है। बढ़िया हाँ थोड़ा बहुत छोटा सा लगता है, पर फिर भी ठीक है यार, उसका घर नहीं लेना यार हमें, हमें कोई जरूरत है तेरी, हम प्राइम मिनिस्टर होकर ऐसे काम करते हो अच्छा लगेंगे क्या? नहीं ना, तो इसलिए छोड़ो ये काम। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे कपड़े की दुकान में, यहाँ से हम लेने वाले हैं कपड़े थोड़े से सही सही से, तो ड्राइवर भी ले लेगा अपने लिए, मैं भी ले लूँगा अपने लिए। तो ये रही दुकान, आ जा 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 जल्दी आ ड्राइवर, पहले मैं अपने लिए यार ब्लैक कलर के ना वो कोट से ही पहन लेंगे गाइज। आपको याद होगा जब मेरी मूवी आनी थी, जब मैंने कौन सा कोट पहना था, तो वही वाला कोट पहन लेता हूँ मैं। हेलो, लुक अराउंड नहीं ले लूँगा मैं अपने आप ही, तू रहने दे मैडम जी। ठीक है यहाँ से देखते हैं गाइज। हाँ तो यही सही रहे ना, यही ठीक है, फ्यूनरल में जा रहा हूँ तो यही वाले मेरे लिए तो सही है। तो ड्राइवर तू भी ले ले, तो गाइज ड्राइवर को भी दिला लेते हैं मस्त से। ठीक है थैंक यू मैडम जी, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस कपड़े चेंज हो चुके हैं, आ जा ड्राइवर आ जा। ड्राइवर के हमने दूसरे वाले कपड़े रख दिए हैं गाड़ी में, यहाँ पे हमने कपड़े भी चेंज कर लिए, काफ़ी सही जगह थी यार, यहाँ पे हमें मिल भी गए मेरे वाले, तो यहाँ पे तसल्ली से मिल जाते। ड्राइवर को थोड़े पसंद से नहीं आते, मैं कहा भाई पहन ले ठीक है चुपचाप। अब इसकी टोपी है कि इसको मिल नहीं रही थी, अब ये पुलिस वाली टोपी तो इसके ऊपर नहीं पहन सकता। मैं कहा क्या हो गया भाई तू टकला है तो क्या हो गया, तेरे बाल दोबारा से ठीक करवा देंगे गाइस, जिमी को भेज दूंगा दोबारा से इसके साथ, जिमी इसको बस एकदम से काच्चा बना के लेके आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो आप देख ही सकते हो हमें इसी इलाके में आना है, और यहाँ से ना आगे जाके गाड़ी अंदर लेनी है जहाँ पे फ्यूनरल वगैरह हो रही है उसकी। देखते हैं वैसे लेट तो हो चुके हैं, फिर भी देखने में क्या ही सीन है ना, तो आपको भी दिखा देंगे कि डेविन वेस्टर की कल हमने ऐसी ऐसी करी। तो गाइस बस पहुँचने ही वाले हैं हम, चलो भाई ये, अरे ये रहा रास्ता। तो गाइस ये वाला रास्ता, यहाँ से हमें अंदर ले जानी है भाई। कौन से वाले में हो रही है ये तो पता है तेरे को कुछ?
चलो कोई नहीं गाइस, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने गाड़ी लगा दी, आ जा, देखते हैं ड्राइवर क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। आ जा, किस साइड है गाइस, देखते हैं। आखिरकार फ्यूनरल हमारे प्यारे डेविन वेस्टन की। अरे भाई क्या नशे कर लिए क्या, ड्राइवर जल्दी आ यार, ऐसे मत कर अगर पनतिया। तो गाइस ड्राइवर भी आ रहा है और मैंने देख सकते हो ये कोट कोट पहन लिया है ताकि सबको लगे कि हाँ भैया हमारा कुछ प्यारा ही दोस्त था वो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यहाँ पे देखो, ओहो ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, भैंस की फ्यूनरल पे आके बीड़ी पी रहे हैं, देख लो गाइस क्या बंदे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन चलते हैं आगे की साइड, आगे। ओके ओके, इस साइड से कहाँ है भाई ड्राइवर, कौन से वाले बता तो सही। अबे इतना थोड़ी पता बे मुझे यार। बस को यही पता है, शाबाश। ओ ड्राइवर 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 ड्राइवर, मेरे को तो लग रहा है ना सामने वहाँ है वो। देख कितने ब्लैक कलर के सबने कपड़े पहन रखे हैं, वो डेविन के जितने भी यार को पता ही है, बॉडी गार्ड वगैरह भी तो काफी ज्यादा जी, तो वहाँ पे तो कितनी भीड़ लगी है, वही होगी। हाँ चल 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 चल, वो ही है, जल्दी चल। चल फिर यहीं आके देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो डेविन की फ्यूनरल हमें मिल चुकी है, देखते हैं वहाँ जाके कि क्या क्या सीन है क्या क्या नहीं। ओ ये लेट्स गो। तो गाइस ये रही डेविन वेस्टन की फ्यूनरल, कल हमने उसकी कह के ले ली थी और आज ही उसका सारा दी एंड भी हो गया है। आ जा भाई ड्राइवर कहाँ रहेगा, भूतनी का ड्राइवर भी आ रहा है गाइस। चलो यार हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमारा प्यारा डेविन वेस्टन बेचारा, मेरा भाई की आत्मा को भगवान शांति दे भाई साहब। तो ठीक है गाइस, अच्छा यहाँ पे और बंदे भी आ रखे हैं गाइस, ये पता नहीं कौन कौन आ रखे, मैंने तो देखे भी नहीं है दो अनोखे से। माइकल इधर इधर, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हो गया, अभी तुझे पता नहीं कि ये कौन है ये जो खड़े हुए हैं? कौन है ये, मुझे क्या पता भाई, अबे भाई ये है डगन त्रिकुण बेरा। कौन ओ डगन है, क्या गुंडा बनेगा रे तुझे, तुझे ये ही नहीं नहीं पता? मुझे नहीं पता ब्रो। चल वो सब छोड़, तू पहले ये बता, तूने कभी ये सुना है, डी से डगन डी से ड्रग्स, ये सुना है? डी से डगन डी से ड्रग्स, कहना क्या चाहता है तू ब्रो। माइकल भाई ये वो ही बंदा जिसके घर पे नजर है तेरी, जो तूने वो घर देखा ना पहाड़ों के पास, वो वाला घर इसी का ही है, वो बड़ा सा, अच्छा वो बड़ा वाला घर इसी का ही है, और लोगों की नजरों में तो बिजनेसमैन, और अंडरग्राउंड पूरा गुंडा बदमाश, ड्रग्स की सप्लाई होती है इसकी। कुछ नहीं पता तुझे क्या ढक्कन है बेरे, तू किस चीज का प्राइम मिनिस्टर है कुछ नहीं पता तेरे को? गुफा अरे रे रे, बिजनेस के साथ साथ नाम भी बहुत है, गैंग भी बहुत है, क्या क्या है भाई। वो डेविन की फ्यूनरल में आया ये देख रहा है, डेविन वेस्टन में कोई छोटा बंदा नहीं था, और इसके साथ में कौन है फिर, ये कोट वाला थ्रोनटोन ये इसका छोटा भाई है थ्रोनटन डगन, कुछ डगन इसका छोटा भाई। ओ भाई साहब, तो देख रहे हो गाइस ये तो मुझे पता ही नहीं था, इतना तो मुझे ज्ञान ही नहीं था। तो आप दिखा देता हूँ गाइस मैं आपको, ये देख लो भाई, ये रहा डगन बोस, हमारे ड्राइवर ने बताया, उसके साथ उसका छोटा भाई थ्रोनटन डगन। ये तो कह के नहीं ले लेंगे हमारी, वैसे ये कर क्या रहे होंगे, इसे जानते होंगे यार डेविन वेस्टन को। हल्के में मत ले रे माइकल, हल्के में मत ले इस सीन को। अरे हल्के की क्या बात है, हम इन्हें नहीं जानते, ये हमें नहीं जानते, मेन बात खत्म है, डेविन को जानते थे बस, सीन ऐसा है। आ जा दिक्कत ना लेते, हो गया देख लिया फ्यूनरल वगैरह जितना देखना था। हाँ दिमाग खराब सा, पता नहीं क्यों इतना दिक्कत सा ले रहा है ड्राइवर, कब से दिक्कत लेने लग गया भाई ड्राइवर, दिक्कत ले रहा है तो मामला बड़ा हो सकता है भाई। बाकी मैंने तो इससे पहले नहीं सुना इसके बारे में इतना कुछ कि हाँ भाई डी से डगन डी से ड्रग्स, क्या चल रहा है ये सीन, मुझे भी नहीं पता गाइस। हाँ इतना सुना था कि मैंने जो घर में लेने की सोच रहा था, आपको भी दिखाया था गाइस मैंने, वो इसका घर है ये मुझे अब पता चल गया था। इतना जब मुझे पता था कि हाँ भाई किसी गैंग वाले का बंदे का घर है, किसी बिजनेसमैन है कोई, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत सिक्योरिटी है, ऐसा कुछ सुना था मैंने। तो फिर क्या सीन करना है फिर ये तो बता। भाई सीन हल्के में कोई भी चीज नहीं लेनी, तू सोच रहा हूँ मैं डर रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा, ठीक है बात ये है। अरे तू डरता कितना बे नमूने। चलो ठीक है गाइस सब सीन हो गया है, तो लेट्स गो चलते हैं यहाँ से, इसको छोड़ के आता हूँ मैं पुलिस स्टेशन में, फिर ये अपने रास्ते में अपने रास्ते, भैंस की डराने वाले काम ही करता है। अब जाके सब ठीक हुआ है, अरे डेविन को जानता होगा यार, होंगे साथ में काम करते होंगे, बिजनेस होगा इनका, पता नहीं क्या दिक्कत है इसकी भी यार, डर जाता है ड्राइवर भी। चलो कोई नहीं गाइस, ड्राइवर को भी आने देते हैं और देखते कितनी देर में आएगा हमारा ड्राइवर भैया, जल्दी आ जा ड्राइवर, कीटाणु कहाँ रह गया। अबे ड्राइवर यार, एक तो ड्राइवर भी ना, चलो यार हम तो चलते हैं गाड़ी में, अबे माइकल इधर इधर, जल्दी चल जल्दी चल रे जल्दी चल। कहाँ जाना है अब, क्या जल्दी चल। अबे भाई बैंक रोबरी हो गई है, अबे अब बेटे हमारे सिवा कौन आ गया बदमाश जो बैंक रोबरी करेगा। एक तू ही बदमाश नहीं है दुनिया में, लाखों बदमाश है तेरे से भी बढ़िया, समझ रहे मेरी बात? हाँ अरे रे रे, बस डायलॉग का मार, पूरी दुनिया में बदमाश है तू ही बदमाश नहीं। चल भाई चल, कौन से वाले बैंक में, पर ये तो बता। लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बैंक, अबे ओके भाई उसमें रोबरी,
फिर तो भाई आदमी बड़े सी लग रहे हैं गाइस। चल छोड़ते को लेके चलते हैं गाइस फटाफट। तो इसके वो कपड़े वगैरह तो चेंज कर ले। तो गाइस ये देखिए लोग, तो ड्राइवर के पास फोन आया होगा कि अभी यहाँ पे बैंक रोबरी हो रही है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। एक बार इसके कपड़े बदलवा लो भाई, ऐसे तो क्या पता इसी को गोली मार दे कि हाँ भाई ये बंदा उसी के साथ मिला हुआ है। मैं भी अपने पुराने वाले कपड़े पहन लूँ गाइस और सीधा चलते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पे बैंक रोबरी हो रही है। तो इसी दुकान से कपड़े चेंज कर ले, जल्दी जल्दी जा, जल्दी जल्दी कर ले। पीछे दुकान है गाइस, आप देख ही सकते हो ये रही दुकान। तो गाइस वहाँ से कपड़े चेंज कराने के बाद ड्राइवर के, मैंने तो नहीं करा, इतना टाइम नहीं था, ड्राइवर के चेंज करवा दिए हैं मैंने, क्योंकि कहाँ वो कोट पैंट पहन के थोड़ी जाता वहाँ पे। अरे अरे तेरी सासू की जय हो, ये गाड़ी भी सही है यार, थोड़ी संभल जा रही है गाइस। अब पूरी तेज भगा के मैं लोकेशन पर जा रहा हूँ। ये कौन बदमाश आ गए यहाँ पे बैंक रोबरी करने वाले, उन्हें पता नहीं क्या यहाँ पे ड्राइवर बदमाश कमिश्नर है हमारा। अब ड्राइवर ही कह के देखना गाइस, ड्राइवर को खुंदस चढ़ गई होगी ना, तो फिर इसी कह के ले लेगा। अगर खुंदस नहीं चढ़ी होगी और बंदों को भेज देगा, जाओ भाई खुद देख लो। तो लेट्स सी गाइस क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं भी खुद बाहर ही रहने वाला हूँ, मैं नहीं जाने वाला वहाँ पे, मैं इसको छोड़ के आ जाऊँगा बस। इतनी हिम्मत मेरी भी नहीं है कि हाँ भाई मैं बैंक रोबरी देखूँ क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। और इसी रास्ते में जो बैंक आता है गाइस वहीं पर ही हो रही है रोबरी, ऐसे सुनने में तो आया। अब लेट्स सी क्या हो रहा है क्या नहीं। सामने बैंक वाले का ऊपर वाली चोंच दिख रही है गाइस, आपको भी दिख रही होगी। तो ओ ये चलो यार फटाफट बस पहुँचने ही वाले हो भाई। सही में ड्राइवर तू तो सही कह रहा था भाई, यहाँ पे देख सकते हो पुलिस वाले भी आ रखे हैं। यहाँ से ड्राइवर यहीं से निकल ले बेटा, तू तो यहीं से निकल ले, मैं जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे फंसने का नहीं है। तो ठीक है गाइस, ड्राइवर को हमने छोड़ दिया यहाँ पे, ड्राइवर आराम से करियो जो भी करियो ठीक है। बाकी और टीम भी है, इनकी भी मदद ले लियो, ऐसे नहीं अकेला छोड़ में जाना है। तो ठीक है गाइस, मैं तो जा रहा हूँ ड्राइवर को यहाँ छोड़ के। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि ड्राइवर ने निकाल लिया अपनी पिस्टल, और यहाँ पे किसी का फोन पड़ा हुआ है। ये फोन पता नहीं किसका, और ये ड्राइवर की पिस्टल आप देख ही सकते हो जिसमें सप्रेसर लगा पड़ा है। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी पुलिस आ रखी है भाई साहब, हद से ज़्यादा पुलिस आ रखी है, और कोई अंदर नहीं जा रहा है, पर इतना सीन है। ओके तो मैं समझ गया हूँ, अंदर पक्का होस्टेज बना रखे हैं गाइस। और ये देखो उनकी गाड़ियाँ, और ये गाड़ियाँ मेरे को लग रही है देखी हुई, ड्राइवर ऐसे समझ तो गया मोस्टली किसकी गाड़ी हो सकती है। मेरे को लग रहा है ये बाइकर गैंग वालों का ही काम है गाइस। अब लेट्स सी उनका है या उनका नहीं है, वो तो जाके पता चलेगा। अब यहाँ से घुस भी तो नहीं सकते, और टीम दोनों तरफ लगी पड़ी है, वो भी बिल्कुल रेडी है, हम भी बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये रहा गाइस, देखो इस बैंक के दो ही गेट है अंदर जाने और बाहर आने के, एक तो वहाँ पे जहाँ पे सामने पुलिस है ही, और अंदर से इतनी आवाज़ आ रही है कि वो खोलने खुलने का इंतजाम कर रहे हैं बैंक का। देखो एक पहला गेट जहाँ आपको सामने दिख रहा है, और एक गेट ये है, और ड्राइवर का आपको पता है खुंदस कितनी तगड़ी होती है, और इसी गेट से वो जाने वाला है। हालांकि होस्टेज तेरी भूतनी के, ये ले सप्रेसर लगा पड़ा है गाइस, किसी को क्या पता। अरे तेरी भूतनी के आजा, अरे निकलो 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 तुम निकलो, तेरी भूतनी हटो हटो। ओ भाई 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 भाई, यहाँ तो हंगामा ही हो गया, पुलिस की टीम भी गाइस आ जाएगी। ओ भाई भाई भाई, तेरी सासू की जय हो, चल तेरी सहरी भैंस की, आप तो देख सकते हो गाइस क्या सीन हो गया। मारो 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 मारो, जल्दी मारो जल्दी मारो। तो गाइस पुलिस की टीम भी एंटर हो चुकी है अंदर, आप देख लो। चलो भाई चलो 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 नीचे जाके मैं और बंदों को देखता हूँ गाइस कि क्या सीन। अरे आ जाना, तो बस एक हमें यही देखना था। ओहो 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 ओहो, अच्छा अच्छा बेटे अच्छा। तो देख लो गाइस अंदर इन्होंने ये खोल दिया था। ओ भाई इन्होंने हमारे बंदे वैसे लपेट तो दिए गाइस, ये तो गलत सीन हो गया ना, पर चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस। अपन देखते हैं ऊपर भी इन्होंने बंदे पकड़ ही रखे। मैनेजर छूट गया, मैनेजर निकल ले बेटा निकल ले। तो गाइस देख सकते हो ड्राइवर ऊपर जा रहा है, ठीक है चल भाई चल। पुलिस की टीम वहाँ पे खड़ी है हमारी वाली, तो ठीक है कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे किसी को पकड़ तो नहीं रखा, ये भी देखना पड़ेगा गाइस। ओके 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 ओके, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं ठीक तो है ना। चल ठीक है, तो गाइस ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला गेट भी हमने चेक कर ही लिया है, तो ठीक है बस। अरे क्या टुच्चू मुच्चू गैंग बनोगे रे तुम, क्या रोबरी करोगे, थारे बस की नहीं है जब। ओके तो देख सकते हो गाइस क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, पुलिस की टीम यहीं पर घूम रही है। ओके अरे अरे थारा बोस हूँ मैं भूतनी के, तो ये मुझे पूरा कवर दे लिया गाइस, आप देख ही सकते हो क्या सीन चल रहा है। ओ भाई रे कैड़ा सीन था गाइस जो भी था। ओके आजो आजो, ऑल क्लियर है ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस दिक्कत एक ये हो चुकी है, जो हमारे पुलिस की टीम है उनमें से भी काफ़ी बंदे घायल हो गए हैं इस चक्कर में, आप देख ही सकते हो एक ये रहा। और ये देखो यहाँ पे पैसे पूसे निकाल ही लिए थे मोस्टली इन्होंने गैंग वालों ने, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मोस्टली सब ठीक है, अब ड्राइवर का काम हो चुका है, ड्राइवर यहाँ से निकल लेगा। अरे क्या गुंडे बनेंगे ये टुच्चू मुच्चू गुंडे वाले भी गाइस, क्या ही सीन है इनका भी, चलो कोई चक्कर नहीं। यहाँ से ड्राइवर एकदम से एंट्री मारी, धुड़ूम 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 एंड दी एंड, देख रहे हो गाइस क्या सीन हुआ। अरे क्या ही रे बाबा, इनके बस की कुछ नहीं है रे। सही है भाई, ड्राइवर की एंट्री एक नंबर होती है गाइस, ड्राइवर बिना देखे सीधा तित्तर की तरह जाता है, और ये पुलिस की गाड़ी उठा के निकल रहा है ड्राइवर अब।
चलो भाई साहब हो गया गाइस ड्राइवर का काम भी। बस 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 मेरे को कवर देना बंद करो भाई, मेरे को कवर देना बंद करो। तो गाइस मुझे पूरे सारे कवर दे रहे कि भाई एकदम से हेड आया और उसने सब खत्म कर दिया। चलो कोई चक्कर नहीं है ना गाइस, अरे कोई नहीं इतना तो चलता ही है। अब ड्राइवर ने देख रहे हो गाइस कैसे सीधा हंगामा करा और पूरी बैंक रोबरी रोक ली और मोस्टली सारे बंदे बच ही गए हैं एक आधे को छोड़ के। अब क्या कर सकते हैं, हमारी टीम के भी घायल हुए, अब पुलिस वाले तो घायल हो तो गए, क्या कर सकते हैं, आते तो शायद डैडी हो गए, एम्बुलेंस पहुंच जाएगी वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम्बुलेंस भी पहुंच जाएगी फिर लफड़े वाला कोई सीन ही नहीं है गाइस। और अब ड्राइवर जा रहा है सीधा अपने पुलिस स्टेशन। चलो कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अभी हमारे माइकल दादा आए थे यहाँ पे इन जो कंस्ट्रक्शन वाले बंदे हैं इनसे बोलने के लिए कि इनके घर पे काम कुम करना, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही काम करना है। पर इन्होंने कहा कि हम इतने बिजी हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है इस बिल्डिंग के लिए, तो ये यहाँ से कहीं और काम कर ही नहीं सकते, तो ऐसा इन्होंने कहा है। पर अब क्या कर सकते हैं गाइस, जो सीन है तो ठीक है। माइकल दादा ढूंढ रहे हैं भाई बंदे, अब इन्हें बंदे ही नहीं मिल रहे काम करने के लिए। तो एक और जगह इन्हें पता तो है गाइस, अब वहाँ पे जा रहे हैं हम, वहाँ पे बंदे मिल गए तो ठीक है यार, ठीक रहेगा। तो लेट्स सी वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या सीन होगा। अरे तेरी भैंस की आँख, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो लोकेशन पास में ही है। और ट्रैवल ने माइकल को बता दिया कि जो बैंक रोबरी वाला सीन था वो सब कुछ सेट हो चुका है, मतलब ट्रैवल ने बैंक रोबरी रोक ली है। तो सब चीज़ देख रहे हो गाइस कितना तगड़ा सीन हुआ है भाई, अलग ही करता हमारा ट्रैवल, कम थोड़ी है किसी से बदमाश, हमारा ट्रैवल भी सीधा कट्टे लेकर भाग अंदर है भाई। अरे यार हट जा, अबे यार एक तो इतना हफ्सी जैसे ट्रक लेके घूमेंगे ना बंदे यार। अरे चला, ठीक है दो हॉर्न मारे नहीं मैंने, देख रहे हो गाइस कैसे कट ले गया वो। तो ट्रैवर हमारे माइकल दादा को एक और जगह पता तो है, अब वहाँ जाके देखते हैं कि वो बंदे क्या कहेंगे, वो भी मान जाएंगे या नहीं मानेंगे हमारा काम करने के लिए। लेट्स सी, ओहो भाई 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 भाई, अरे यहीं जाना है बे। एक तो ट्रैफिक ने खा लिया लॉस सैंटोस का, ट्रैफिक इतना ज़्यादा बोले तो बहुत जाता, अरे बाबा दिमाग खराब घूम जाता है। और ये देख लो सबसे बड़ी बिल्डिंग गाइस, अरे सबसे बड़ी बिल्डिंग है भाई ये, ठीक है। हाँ मेज बैंक के बाद आती है वो, मेज बैंक तो इससे भी ऊपर है यार। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है घर पे, ट्रैवर हमारे पता तो है हमारे माइकल दादा को। तो यहाँ पे कोई वर्कर होगा तो गाइस उनसे बात करते हैं कि हाँ भाई हमारा काम कर दे। तो ये लगा दिए साइड में गाड़ी, और ये घर का काम पता नहीं गाइस कब से चल रहा है। वर्कर बड़े हरामी है, जहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं पहले वहाँ चले जाते हैं काम करने, और इनको पैसा अच्छा खासा तो दे ही देगा माइकल। तो ठीक है एक बार इनसे बात करते हैं। देख लो गाइस यहाँ पे सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो माइकल ने ये सोचा कि अपना पूरा घर वो चेंज करा ही देगा और अच्छा खासा पैसा भी दे देगा इसे कि हाँ भाई इन्होंने ढंग का काम करा। तो लेट्स सी करते हैं बात। चलो जल्दी से शिखर बाद में खाइयो। हेलो ब्रदर। हेलो सर जी, राम राम सर जी, बोलो सर जी क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी सर। सेवा तो भाई यही है, देख यार मेरा घर है यहाँ पे, उसमें थोड़ी सी पूरी मरम्मत सी करानी है उसको, बोले तो सारी टाइल्स चेंज करनी है, अंदर से सब कुछ चेंज करना है, अब सारी चीजें चेंज ही करनी है। हाँ नहीं सर जी, आप देख ही सकते हो अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं तो मुश्किल ही हो पाएगा, समझ रहे हो ना। अरे भाई पैसे बताओ तुम अपने, बस ठीक है बिजी हो, बिजी का मुझे भी पता तुम्हारा क्या सीन रहता है। तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे काम करवाना है, सीधी बात ये है। अरे सिंपल बात है सर जी, ट्रिपल लगेंगे, जितने लगने उससे ट्रिपल, सीधी बात ये है। ट्रिपल लगेंगे पैसे, तू ट्रिपल ले लिए मेरे भाई, काम चाहिए भाई कल तक हो जाएगा। वर्कर एक्स्ट्रा मंगवा लूंगा मैं, आप अपना सामान मंगवा लो, बाकी कोशिश पूरी करेंगे कल तक की, हो ही जाएगा। चल ठीक है सामान मैं मंगवा दूंगा, ज्यादा बड़ा घर भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है। दो फ्लोर है, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर बोल सकता है तू, ज्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पे सीन ऐसा हुआ है ना, जल सा गया सब कुछ, तो टाइल्स वगैरह सब कुछ चेंज करानी है। तो वर्कर तेको जितने चाहिए अपने हिसाब से रख ले, सबकी पेमेंट मैं कर दूंगा, पर काम मुझे अच्छा चाहिए और कल तक चाहिए। ओके सर जी कोई दिक्कत नहीं है, अभी 15 से 20 मिनट के अंदर वर्कर आपके घर पे पहुंच जाएंगे, आप क्या थी दिक्कत दे रहे हो। हाँ सामान का मैं बोल देता हूँ, तुम 15 से 20 मिनट में घर पे भेजो। माइकल डे सेंटर नाम तो सुना ही होगा यार तूने। अरे पता है मुझे आपके घर के बारे में, जिमी को जानता हूँ यार मैं। तू जिमी को कैसे जानता है। अरे सर वो बात की बात, आप सामान मंगाओ यार, मिलते भी ना। चलो ठीक है ठीक है, तो ठीक है गाइस इसको जिमी को कैसे जानता है पता नहीं, चलो छोड़ो यार हमें क्या है, जानता हुआ जिमी को कैसे ना कैसे। तो लेट्स गो गाइस, अब सामान इनके लिए करवा देते हैं, सामान वगैरह का जुगाड़। इन्होंने कहा है 15 से 20 मिनट में वर्कर पहुंच जाएंगे और कल तक हमारे घर का काम भी कर ही देंगे, तो ये काफ़ी सही है। तो ठीक है गाइस कराते हैं अब सब चीज़ों का जुगाड़ पानी और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, माइकल दादा ने जितना भी सामान वर्कर को चाहिए था मोस्टली सब मंगवा ही दिया है। वर्कर भी आ चुके थे, उन्होंने कहा था 10 से 15 मिनट में, वो 5 मिनट के अंदर घर पे पहुंच चुके थे और अच्छे खासे वर्कर आया, ऐसा नहीं है कि तो एक तीन चार आए होंगे वर्कर, अभी काफ़ी सही आ चुके हैं। और देखते हैं काम वगैरह चालू हो गए हैं यहाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ घर के आगे से ही ड्रिलिंग चालू कर दिया। तो माइकल दादा ने सोचा कि पूरी टाइल्स वगैरह ही चेंज करा दी जाए, तो ये देख सकते हो ये ड्रिल वगैरह कर रहा है। अरे 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 जिमी तू क्यों आ गया यार, इसको मैं मना करता हूँ, ये मानता नहीं है लड़का, साइकिल लेके देख रहे हो गाइस फिर घूमने आ गया यहाँ पे। अरे अरे देखो क्या कर रहा है भाई, रे इससे बात करूँगा मैं, रुक जाओ, कर भाई ड्रिलिंग तो कर मैं भी देखूँ। ओके तो कर रहा है गाइस ड्रिलिंग कर रहा है। ओके यहाँ पे हैमर वगैरह ये पूरा शायद चेंज होगा,
तो यहाँ पे देख लो गाड़ियाँ कितनी आ गई हैं इनकी, ये देख लो गाइस इसमें लिखा भी हुआ है, ये देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, और ये देखो सीमेंट कितने ज़्यादा मंगाया है, तो ये है सीमेंट के, देख लो सीमेंट लिखा भी है गाइस, सीमेंट की बोरियाँ वगैरह, तो ये देख लो यहाँ पे इतना सब कुछ सामान है। और जिमी तेरे को किसने बोला आने को? अरे पिताजी वो मेरी चिट्ठी रह गई थी, अरे घर पे वो चिट्ठी ले आता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पिताश्री। अबे वो चिट्ठी चुट्ठी इतने थप्पड़ मारो ना बेटा, मोर बन के जाएगा घर पे, गुस्सा मत दिलाया अगर मुझे, तेरे को मना करा ना नहीं आना यहाँ पे, दिमाग खराब कर रहा, अभी ठीक हो जाएगा फिर आना, जा उल्टा निकल ले। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे सीमेंट की ये सब कुछ चीज़ें रखी हुई है, और वहाँ पे भी वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो पूरा घर रिपेयर के लिए बोल दिया इन्होंने, बोला है कल या परसों तक तो पक्का हो जाएगा, वैसे कल तक ही हो जाना चाहिए ऐसे इन्होंने कहा है। तो देख लो कितनी गाड़ियाँ इनकी आई है, तो वर्कर भी कितने आए होंगे। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो के लिए इतने, तो होपको तो आपको आज की वीडियो में मजा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, तो साथ ही साथ कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है सबसे अगले एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा चंगा फिर अगली घड़ी। साथ ही साथ ये घर तो हम रिपेयर करा रहे हैं, एक नया घर जरूर लेंगे।